नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ प्रदेश सरकार द्वारा सज रही सवर रही योजनाओं में अयोध्या को विकसित करने की योजना पर कार्य कर रही है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, मॉडल रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सहित कई योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। वहीं अयोध्या में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सभी मार्गों का चौड़ीकरण करने की भी योजना बनाई गई है, लेकिन इस कार्य में सैकड़ों व्यापारियों की दुकान इस योजना में जद में आ रही हैं। इसी को लेकर व्यापारी वर्ग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज भी विरोध व्यापारियों में जल सत्याग्रह कर विरोध दर्ज कराया। शहादतगंज से नया घाट तक बनने वाली फोरलेन सड़क में करीबन 800 व्यापारियों की दुकानें आ रही हैं, जिन्हें सरकार व्यवस्थित करने के लिए योजना बना रही है। इसी के विरोध में व्यापारियों ने पहले ज्ञापन दिया, उपवास और पूजा पाठ किया। मांगे ना पूरी होने पर व्यापारियों ने सरयू के जल में खड़े होकर जल सत्याग्रह करने का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन द्वारा रोकने की भी कोशिश की गई। विरोध कर रहे व्यापारियों की माने तो फोरलेन बनने से 800 व्यापारी व्यवस्थित हो रहे हैं, और व्यापारियों का विरोध अयोध्या के विकास से नहीं है। उनकी मांग है कि सरकार उनसे वार्ता करे और कोई बीच का रास्ता निकाले। वहीं जल सत्याग्रह प्रदर्शन में सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे भी शामिल हुए। अयोध्या के हमारे व्यापारी बंधुओं ने आज सरयू नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में व्यापारी समाज को उजाड़ने का, इनकी दुकानों को उजाड़ने का, इनकी मकान को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इनको सड़क पर लाने का प्रयास किया जा रहा है, इनका उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके खिलाफ आज व्यापारी समाज ने सरयू नदी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया है। अपना विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में जाहिर किया है। कोई भी व्यापारी यहां पर विकास के विरोध में नहीं है। विकास होना चाहिए, अच्छा विकास होना चाहिए, लेकिन किसी को उजाड़कर, किसी को परेशान करके, किसी को सड़क पर लाकर हम ऐसे विकास का विरोध करते हैं। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आपको चाहिए कि सारे व्यापारी बंधुओं से बात करिए और बीच का कोई रास्ता निकालिए, जिससे कि व्यापारी बंधुओं का भी नुकसान ना होने पाए, इनकी दुकान का, मकान का नुकसान ना होने पाए, इनके कारोबार और व्यापार का नुकसान ना होने पाए। विकास के साथ साथ इन व्यापारी बंधुओं की भी तरक्की और खुशहाली होनी चाहिए। अगर इनके घर में मातम हो, इनके घर में दुख हो, इनका व्यापार चौपट हो जाए, तो आपके विकास का कोई औचित्य नहीं है। हम ऐसे विकास का विरोध करते हैं और सरकार से दोबारा कहना चाहते हैं कि आप अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यापारी बंधुओं से बात कराइए। व्यापारी बंधुओं के नुकसान से अयोध्या का विकास नहीं हो पाएगा। जब ये व्यापारी खुशहाल होगा, इनका व्यापार खुशहाल होगा, ये व्यापारी तरक्की करेंगे, तभी अयोध्या तरक्की करेगी। इसलिए हम समाजवादी पार्टी के सारे लोग व्यापारी बंधुओं के साथ हैं, पूरी तरह से इनके साथ हैं, इनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, इनके जल सत्याग्रह का सम्मान करते हैं, और पूरी समाजवादी पार्टी व्यापारियों बंधुओं के आंदोलन में पूरी तरह से इनके साथ खड़ी है। धन्यवाद। यहाँ पर नया घाट से शहादतगंज तक और हनुमानगढ़ी से जन्मभूमि तक प्रस्तावित फोरलेन से 1800 व्यापारी विस्थापित हो रहे हैं। बार बार ज्ञापन देने उच्च अधिकारियों को, स्थानीय सांसद, विधायक को, प्रधानमंत्री जी को, सभी को ज्ञापन भेजा गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोग समन्वय बैठक के लिए ज्ञापन भेजे, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, लिहाजा हम लोग मजबूरी में उपवास किया गया, हवन किया गया, मनाया गया कि हम लोगों की रोजी रोटी बची रहे 1800। नहीं कोई सुनवाई हुआ तो हम लोग आज सरयू मैया से ये मनाने आए हैं कि हम 1800 व्यापारियों की रोजी रोटी बचाएं और हम लोगों का परिवार चलने दें।